नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन सा। प्रदेश सभा पहला अधिवेशन के लिए सर्वदलीय बैसार संपन्न। विधायक सब कॉफी रंग के कोट लगाकर प्रदेश सभा में बैसल। माघ 21 गते बैसे वाला दो नंबर प्रदेश के प्रदेश सभा बैसार के लिए आवश्यक तैयारी द्रुत गति में भरल। प्रदेश नंबर 3 के पहल प्रदेश सभा अधिवेशन संपन्न। सभामुख चयन के लिए माघ 27 गते बैसार बजाओ गए। जनकपुर में एडीबी के सहयोग में संचालित आयोजना के ठेकेदार कंपनी रमन कंस्ट्रक्शन के सरकार वाला निकाय द्वारा अनुगमन। भारतीय विदेश मंत्री स्वराज नेपाल में एमाले के अध्यक्ष ओली से भेंटवार्ता। एमाले द्वारा रात्रि भोज के आयोजन। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर 2 के स्थायी मुकाम जनकपुर धाम में बैसल सर्वदलीय बैसार से माघ 21 गते बैस जा रहा पहल प्रदेश अधिवेशन के लिए मस्यौदा कार्यसूची बनौलक। प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ के विशेष उपस्थिति आ प्रदेश सभा के ज्येष्ठ सदस्य लगन लाल चौधरी के अध्यक्षता में विभिन्न दलक प्रदेश सभा सदस्य सहित बैसल बैसार से सभामुख उपसभामुख प्रदेश सभा सदस्य लोकन मर्यादा पालक सहित सब लगाव वाला पोशाक आ पालना करे वाला अनुशासन तथा कार्यविधि के निष्कर्ष निकालने। बैठक आह्वान गर्नु भए बमोजिम आज यो सर्वदलीय बैठक हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ। त्यो सर्वदलीय बैठकमा दलको हिसाबबाट दलीय हिसाबमा आउनुभएका मान्य सचिवहरूले आज यो बैठकलाई कसरी सुव्यवस्थित मर्यादित र यसलाई चाहिँ नि एउटा संसदीय मूल्य र मान्यताहरू चलाउने भन्ने विषयमा चाहिँ विस्तृत छलफल भयो। संयोगवश आज प्रदेश प्रमुखज्यूले पनि यसमा बडो चाख राखेर रा, हाम्रो चाहिँ यो बैठकलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो गरिमामय उपस्थितिका साथ आफ्ना धारणाहरू पनि राखेर रा, एउटा अझ यो बैठकलाई प्रभावकारी बनाउने र 21 गते चल्ने जुन बैठक हो त्यो बैठकमा चाहिँ अलिकति प्रमुख विषयहरूमा मान्यज्यूहरू केन्द्रित रहनको लागि उहाँले केही मार्गनिर्देशन भएको छ। सहसचिव पौडेलके अनुसार प्रदेश सभा सदस्य सब पैंट शर्ट साड़ी सहितक अपना पायक पर वाला पोशाक ऊपर कॉफी रंग के कोट व हाफ बंडी लगाव पड़तन। मर्यादा पालक के हक में दावरा सलवार उल्लेख भेल रही तो नहीं रहल अवस्था में पैंट शर्ट आ साड़ी लगाव पड़बाक हुनक कहब छलन। यो मान्य सदस्यज्यूहरूको सभामुखज्यूको र कर्मचारीको र मर्यादा पालकको पोसाक कस्तो हुने भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ नि विविध कुराहरू आएका छन्। जस्तो मान्य सदस्यज्यूहरूले चाहिँ नि यो कलेजी कफीहरूको चाहिँ नि छ नि अब यो केन्द्रमा चाहिँ अब तपाईँहरूको आफ्नै हिसाबले चल्या होला। यो प्रदेशमा चाहिँ हाम्रो यो एउटा जानकी नगर यो दुई नम्बर प्रदेशमा चाहिँ हामीले आफ्नै हिसाबले ड्रेस निर्धारण गर्छौँ भन्नुभएको छ। अनि मर्यादा पालकले कस्तो ड्रेस लगाउनु मर्यादा पालकको निर्णय के भएको छ निर्णय ड्रेसको सन्दर्भमा मान्यज्यूहरूले चाहिँ नि कफी रङको चाहिँ नि कोट लगाउने अब अरू चाहिँ नि आफू खुसी लाउने अब कसैले चाहिँ नि हामी कोट प्यान्ट लाउँछौँ भन्नुभएको छ। कसैले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि यहाँको चाहिँ प्रदेशको पहिचान स्वरूपको कुर्ता सुरुवाल पनि हामी लगाएर आउँछु भन्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ नि कोट चाहिँ अनिवार्य कोट अथवा त्यो अर्को चाहिँ बन्डी हुन्छ हाम्रो कोट त्यो दुईवटा कोट चाहिँ ठिक छ त्यति चाहिँ गर्ने भन्नुभएको छ। सहसचिव पौडेलके अनुसार नेपाल सरकार 38 गोटे कर्मचारी खटाव परबलामे 7 गोटे प्रदेशमे खटाओल गेल जानकारी गराउने रहितो उ 7 गोटेके समेत जनकपुरमे अत्तापत्ता नै रहल उपराग सुनबैत काठमाडौँसँग आयल 4 गोटेके टोली मात्रै काम कर रहल धारणा राख्लन्। निर्धारण गरिया छ साथीहरूलाई पोस्टिङ गरे भने नि हामीले जानकारी पायौँ। हामी चाहिँ सहजीकरणको लागि उहाँहरूलाई तालिम दिनु भनेर आएको अब उहाँहरू नआइसक्नु भएको केही कारणले होला अब त्यो म जान्दिनँ। कोही पनि छैनन् हामी मै चारजना मेरा साथीहरू चारजनाले यो सबैले गर्नुपर्ने काम हामी गरिरहेको छौँ। ओ स्वयं सबके 4 सदस्यीय टोली प्रदेश के मुकाम में नेपाल सरकार खटौने ओ कर्मचारी सबके सहजीकरण के तालीम देब आयल बतबैत एतय अयलाक बाद कर्मचारी के अत्ता पता नहीं रहल देखल गेलाक बाद अपने काम करब पर रहल धारणा रखलन।
प्रदेश नम्बर 2 के मुकाम जनकपुर स्थित जिला शिक्षा कार्यालय के शैक्षिक तालीम केन्द्र में आगामी माघ 21 गते प्रदेश सभा पहिल अधिवेशन बजाओल गेल अछि। माघ 21 गते बैस जा रहा दू नम्बर प्रदेश के प्रदेश सभा के विचार के आवश्यक तैयारी जनकपुर में तीव्र गति में भ रहा है। जनकपुर के जिला शिक्षा कार्यालय हाता भीतर रहल शैक्षिक तालीम केन्द्र में पहिल बैसार बैसा जका तैयारी कयल गेल अछि। प्रदेश सभा के अधिवेशन के कार्यसूची तय करक लेल समेत तैयारी भ रहल अछि। प्रदेश सभा लेल तालीम केन्द्र के भुइतल्ला सभा हॉल निर्माण भ रहल अछि, जाहिक लेल आवश्यक फर्नीचर निर्माण खरीद तथा भवन के सब कोठली समेत धमाधम सरसफाई भ रहल अछि। शहरी विकास तथा भवन डिवीजन कार्यालय जनकपुर 19 माघ में भवन प्रदेश सभा सचिवालय के हस्तांतरण करे के तैयारी कर रहा है। डिवीजन कार्यालय जनकपुर के प्रमुख गंगा प्रसाद यादव के अनुसार प्रदेश सभा के लिए तालीम केंद्र के सभा हॉल में मरम्मत संभार, रंग रोगन, फर्नीचर, लाइट लगायत के काज युद्ध स्तर में भ रहा है। शैक्षिक तालीम केन्द्र में करीब 60 गोटे मजदूर दिन रात खटि रहा है। प्रदेश व्यवस्थापिका कार्यपालिका के लिए छनौट कैल गेल भवन सबके मरम्मत संभार, फर्नीचर, लाइट तथा रंग रोगन के लिए डिवीजन कार्यालय 55 करोड़ रुपया माँग कने छल। सरकार पहल चरण में 7 करोड़ 50 लाख रुपया मात्र विनियोजन कलक। सरकार कमे बजट पठौला से तत्काल वही रकम से आवश्यक काज सब कैल जा रहा। शहरी विकास भवन कार्यालय के प्रमुख यादव जानकारी करौने। जिला सुरक्षा समिति प्रदेश सभा के लिए प्रहरी निरीक्षक के नेतृत्व में 21 गोटे मर्यादा पालक खटेबाक निर्णय समेत कलक। त्यसपछि फर्निसिङ 1 करोड़ 50 लाख, मेसिनरी होला हामीले 55 करोड़ मागे थियो टोटल उसमा, तर अहिले चाहिँ 7.5 करोड़ तत्काल मरम्मत सुधारको लागि मात्रै पठाएको छ। मुख्यमन्त्रीको आवास, मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष, मन्त्रीहरूको आवास, मन्त्रीको कार्यकक्ष लगायतका सम्पूर्ण संरचना कार्यपालिका जति छ त्यो जचुकालीमा र व्यवस्थापिका अन्तर्गतका जति पनि क्रियाकलाप हरू हुन्छ त्यो चाहिँ शिक्षा तालिम प्रत्येक युनिटलाई जस्तै 13 वटा डाइरेक्टर क्वार्टर त्यहाँ थियो त्यसलाई पनि हामी मर्मत गराउँदैछौँ। त्यसपछि जिएमको आवास पहिला थियो, डिजिएमको आवास त्यसलाई पनि मर्मत गराउँदैछौँ र त्यस्तै उता स्टाफ क्वार्टर, क्षेत्रीय बिक्री केन्द्र यो सबै चाहिँ मर्मत एकैचोटि हामीले गराउँदैछौँ। प्रदेश नम्बर 3 के पहिल प्रदेश सभा बैसार सम्पन्न भेल अछि। हेटौड़ा के क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय में रहल भवन में बैसल पहिल बैसार के अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य डोरमणि पौडेल केने छलथि। प्रदेश सभाक पहिल बैसार भेला से बृहस्पति दिन के बैसार में 3 नम्बर प्रदेश में प्रतिनिधित्व केने दल के दिस से सांसद सब शुभकामना मंतव्य व्यक्त कयलनि अछि। नेकपा एमाले के प्रदेश सभा सदस्य अष्टलक्ष्मी साके संघीय संरचना अनुसार सब प्रदेश निक संग काम कर सकलक त स्थानीय तह के मजबूत बनाओल जा सकबाक धारणा रखने छलथि। नया संरचना में प्रवेश करित काल आबवला अनेकों चुनौती सबके आत्मसात करित राजनीतिक स्थिरता कायम कर दिस अग्रसर होब पड़बाक में ओ जोर देने छले। लोकतांत्रिक संस्कार आ संस्कृति के विकास करित सहमति आ सहकार्य के राजनीति क प्रदेश के समृद्धि के बाट में ल जाय पड़बाक हुनक कहब छलनि। माओवादी केन्द्रक प्रदेश सभा सदस्य सालिक राम जमर कट्टे लोकतंत्र के संस्थागत करे के लिए दल सब एकठा में आब के विकल्प नहीं भल धारणा रखने छलथि। ओ 3 नम्बर प्रदेश के नमूना प्रदेश आ नेतृत्वदायी प्रदेश के रूप में स्थापित कर पड़बाक में जोर देने छलथि। नेपाली कांग्रेस के प्रदेश सभा सदस्य इंद्र बहादुर बानिया सहमति सहकार्य आ एकता के प्राथमिकता में रहकर अगाड़ी बढ़ा पड़बाक में जोर दिलन। ओ अल्पमत के आवाज के समेत सुनित देश में शब्द में मात्र नहीं भ व्यवहारिक रूप में समेत समृद्धि के बाट में अग्रसर कराब पड़बाक उल्लेख कयने छलथि। मकवानपुर से प्रदेश सभा में निर्वाचित ओ 3 नम्बर प्रदेश के स्थायी राजधानी हेटौड़ा तोकबाक सरकार के निर्णय के प्रशंसा कयने छलथि। तहिना विवेकशील साझा पार्टी के रमेश पौडेल सहभागितामूलक लोकतंत्र के व्यवहार में परिणत कर पड़बाक धारणा रखलनि। व्यवहारिक रूप में लोकतंत्र स्थापना होब नहीं सकल त प्राप्त उपलब्धि समेत समाप्त भ जेबाक खतरा रहल कहू। प्रणाली पारदर्शिता आ ईमानदारिता के राजनीति स्थापित कर राजनीतिक प्रति के घृणा के बदला पड़बाक धारणा रखने छलथि। प्रदेश नम्बर 3 के सभामुख चयन के लिए या माघ 27 गते निर्वाचन के मिति तोकल गेल अछि।
बृहस्पति दिन बैसल प्रदेश नंबर 3 के पहल बैसार से सभामुख चयन के लिए यह माघ 27 गते के मिति तय कैल गए। अध्यक्ष डोरमणि पौडेल, प्रदेश सभा संचालन अंतरिम नियमावली 2074 के दफा 6 के उपदफा 1 बमोजिम सभामुख के निर्वाचन के लिए माघ 27 गते दिन के 3 बजे के समय तोक लेने। ऐसा आगू बैसार से प्रदेश सभा संचालन के लिए प्रदेश सभा संचालन अंतरिम कार्यविधि 2074 के बहुमत से पारित कैल गए। जनकपुर में एडीबी के सहयोग में संचालित आयोजना के ठेकेदार कंपनी रमन कंस्ट्रक्शन के सरोकार वाला निकाय अनुगमन कलक। आई भोर में स्थानीय निकाय के पदाधिकारी, आयोजना प्रमुख, कंसल्टेंट लगातक सब अनुगमन केने। ओहि क्रम में ठेकेदार कंपनी के सुपरवाइजर इंजीनियर शत्रुघ्न प्रसाद चौधरी निर्माण भ रहा सामग्री सबके विषय में अनुगमन टोली के अवगत कराने। अनुगमन के बाद मेयर लाल किशोर शाह स्वयं सब निर्माण सामग्री के अवलोकन केने आकर समीक्षा करबाक धारणा रखने। ओ निर्माण काज में तीव्रता लाबक लेल स्वयं प्रयासरत रहल समेत धारणा रखने। मशीन बाट यिनीहरूले पुरै कम्प्युटराइज सिस्टममा गरेको हो, त्यसलाई कति मात्रामा कुन चिज चाहिन्छ, त्यो डस्ट प्योर डस्ट अनि स्टोन विथ डस्ट अनि त्यसपछि स्टोन यिनीहरूको त्यो हामीले हेर्न पाएको छौँ र यसलाई चाहिँ मतलब हामीले फेरि समीक्षा गर्छौँ। बैठक गरेर कन्सल्टेन्ट हामी नगरपालिका र मतलब कसैमा एडिबीसँग सम्बन्धित र मतलब शहरी विकासलाई बसेर हामी चाहिँ फेरि यसमा समीक्षा गर्छौँ। यसको वास्तवमा के हो र मतलब मूल कुरो के हो भन्दाखेरि यहाँहरूकोलाई पनि हामीबाट एउटा के छ भने हामीले आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि हाम्रो काममा तीव्रता कसरी ल्याउन सक्छ। यसो टाइमिङ चाहिँ बहुत कम छ, यसलाई चाहिँ यो यो जुन तैना नगरपालिकाका इन्जिनियर वीरेन्द्र यादव, आयोजना अन्तर्गतको निर्माण काज 60% पुरा भ चुकल, बाँकी 6-7 महिनामै पुरा हेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलेन। खास गरेर हामीले नालाको काम म्याक्सिमम सकिरहेछौँ र अहिले पनि सँगसँगै नाला र सडक जुन जहाँ नाला बनाइरहेको त्यहाँ हामी सडकको काम रोकेका छौँ र बाँकी ठाउँमा जहाँ नाला हालिसकेका छौँ, हिमका ड्रेनको नाला हालिसकेका छौँ, त्यहाँको काम हामीले गरिरहेछौँ। र मलाई लाग्छ त्यो सँगसँग गएपछि 6-7 महिनामा हामी कम्प्लिट गर्छौँ। खास गरेर त्यसमा सडकमा तपाईँको 9.29 किलोमिटर कम्प्लिट गर्नुपर्नेमा मोटामोटी हामीले 4 किलोमिटर कम्प्लिट गरेका छौँ र त्यसपछि तपाईँको नालाको केसमा 20 किलोमिटरको हाराहारीमा हामीले नाला कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। 10-11 किलोमिटर हाम्रो नाला गर्न बाँकी छ, त्यसको पनि हामी प्यारलली सडक र नालाको काम प्यारलली गरिरहेछौँ। मलाई लाग्छ 6-7 महिनामा कम्प्लिट हुन्छ। विभिन्न निकाय बीच के समन्वय के अभाव के कारण निर्माण काज में विलम्ब भ रहा निर्माण पक्ष दावी कर रहा है। अनुगमन टोली जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 1, 2, 4, 7 और 9 में जारी निर्माण काज के समेत स्थलगत अनुगमन केने। एकीकृत शहरी विकास आयोजना अंतर्गत जनकपुर में जारी निर्माण काज के 40% काम एखनो होब बाकी है। सन् 2018 फेब्रुअरी में निर्माण काज सम्पन्न कर पड़वा लक्ष्य पूरा होब नहीं सकला के बाद आयोजना के समय सीमा थप 6 महीना वृद्धि कैल गए। जानकी मंदिर के आकर्षक तस्वीर से जनकपुर के विश्व स्तर में चिन्हबाक काम करित आयल। जनकपुर मुदा पछिलका समय में आबिक किछ वर्ष आगू रामानंद चौक में निर्माण कैल गेल द्वार समेत जनकपुर के चिन्हाब लागल। उ द्वार रामानंद द्वार केना के निर्माण भेल छल त रामानंद द्वार। एक रिपोर्ट। जनकपुर आ जानकी मंदिर एक दोसरक परिपूरक रहल अछि। माता सीता के जीवन संग जुटल पौराणिक मिथिला के राजधानी जनकपुर के आधुनिक काल में जानकी मंदिर चिन्हित आयल छे। जनकपुर के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जानकी मंदिरक मनमोहक तस्वीर से चिन्हल जायत अछि। मुदा पिछला समय एकटा दोसर स्थान सेहो जनकपुर के चिन्हाब लागल छे। ई छै जनकपुरक रामानंद चौक स्थित रामानंद द्वार। विशाल 4 पिलर के एक ठाव में जोड़ कर बनाल गेल 90 मीटर लंबा ई द्वार के जनकपुरक एकटा दोसर धरोहर के रूप में सेहो चिन्हल जायत अछि। कोना का बनल रामानंद द्वार। हिंदू धर्मावलंबी के प्रथम धर्मगुरु स्वामी रामानंदक याद में ई द्वारक निर्माण कैल गेल छल।
ई द्वारक निर्माण काज 2054 साल से शुरू कैल गेल छल। जानकी मंदिरक महंत राम तपेश्वर दासक अगुवाई में निर्माण कैल गेल रामानंद द्वारक संपूर्ण खर्च जानकी मंदिरे कयने छल। आध्यात्मिक संस्कृति के नगरी छे, तब हमरा सब के धर्म गुरु हमरे टा नहीं छे, विश्व के छे। और अन्य जगह पर द्वार के स्वरूप मंदिर छे हिनकर जगह जगह, लेकिन द्वार के स्वरूप नहीं छले, तो एक टा यूनिक नीक चीज हो जे एक टा विश्व के आकर्षण बने। तो रामानंद द्वार के जे छे से स्थापना जानकीय मंदिर से संकल्पित रहे। आ जानकीय मंदिर विभिन्न हमरा सब के जे स्थान छे हुनको सब के सहयोग छे, लेकिन जानकी मंदिर अपन बीरा बनकर एकरा जे छे से निर्माण केने छे। ई द्वार निर्माण में 1,13,00,000 खर्च भेल छल। 90 मीटर लंबा द्वार 9 रेक्टर स्केलक शक्तिशाली भूकंप के धक्का समेत सहन क सकबाक क्षमता राखे छे। रामानंद द्वार 56 देशक विभिन्न द्वार में से उत्कृष्ट रहल छे। के एस्टिमेट समय में जे बनल रहे तकर रहे 1,12,00,000 रुपया के लगानी। हालांकि बनत बनत वही टाइम के एस्टिमेट बहुत 10 वर्ष बीत गए तो महंगा भ गया रहे। अब प्राय एकर हम कंप्लीट नहीं कहब, लेकिन एस्टिमेटेड से 1,12,00,000 के एकर जहिया शंकर नाथ रिमाल जी के नक्शा कैल छे जे एक बेरा के गेट वो कतौ से देख के आयल रहथिन। आ वो जे नारायण हेटी राज दरबार के सो ये डिजाइन केने छथिन। आ ये बहुत पैघ इंजीनियर ते समय के कहा थीन, आ हिनके डिजाइन कैल छे। और ये 9 हेकर भूकंप के अवरोधक क्षमता छे गेट के, तते कि बलुआर गेट बनल छे। और ये गेट जे छे से 56 देश में प्रस्तुत भेले, जेमे सबसे ये गेट के सर्वोत्कृष्ट मानल गेले है जे रामानंद द्वार छे। ई द्वारक निर्माण 7 वर्ष लगा कर 2061 साल में संपन्न कयल गेल छल, मुदा अखन धरि सेहो द्वारक औपचारिक उद्घाटन नहीं भेल छे। के छलथि रामानंद स्वामी? रामानंद चौकक नाम आ ओतय निर्माण कयल गेल द्वारक नाम रामानंद रहल छे। द्वारक ऊपर धर्मगुरु रामानंद दासक चित्रपट सालिक के रूप में राखल गेल छे। रामानंद स्वामी के जन्म करीब 700 वर्ष पहिने विक्रम संवत 1356 साल में भारतक इलाहाबाद प्रयागराज में भेल छल। रामानंद स्वामी उनका जन्म हुआ 1356 में प्रयागराज में। उनका जन्म प्रादुर्भाव हुआ 1356 में प्रयागराज में एक ब्राह्मण के घर में। पिता का नाम पुण्य सदन शर्मा और माता का नाम श्री सुशीला देवी। जन्म के बाद 12 वर्ष तक उनका भेलन लालन पालन यज्ञ पवित्र तक बाद फिर अंतर ध्यान भ गलखिन। पुनः फिर उनका राम यज्ञ के द्वारा उनका प्रकट कल गए रामानंद स्वामी के। तक बाद फिर उनका काशी में लाकर उनका दीक्षा शिक्षा ग्रहण कर गए। गुरु का नाम श्री स्वामी राघवानंदाचार्य। श्री मठ काशी पंचगंगा घाट पर हुनकर भेलन शिक्षा। तकरा बाद हुनका गुरु महाराज के द्वारा हुनकर भेलन व्यक्त दीक्षा त्रिदंड धारण इत्यादि। स्वामी रामानंदक करोड़ों अनुयायी रहल अछि। इहे महान धर्मगुरु रामानंदक याद में स्थापित द्वार अखन जनकपुरक एकटा धरोहर बनल छे। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में विपिन रामक संग ध्रुव नारायण यादवक रिपोर्ट। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नेपाल भ्रमण के लिए बृहस्पति दिन बेरिया में काठमांडू आबि गेल अछि। भारतीय विदेश मंत्रालय के उच्च पदाधिकारी सब सहित 2 दिवसीय भ्रमण के लिए नेपाल आयल स्वराज के विस्तृत नेपाल भ्रमण के तालिका सार्वजनिक नहीं कयल गेल अछि। विशेष विमान से बेरिया में काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में उतरल भारतीय विदेश मंत्री स्वराज संचारकर्मी सब संगे अपन भ्रमण के खासे किछ एजेंडा नहीं भेल संक्षिप्त प्रतिक्रिया देने छले। ओ सब संग भेंट करय के लेल आयल स्पष्ट समेत केने छले। भारतीय विदेश मंत्री स्वराज के स्वागतार्थ नेपाल एम
नेकपा एमाले बृहस्पति दिन रातेमे रात्रि भोज आयोजना कर रहल अछि। रात्रि भोजमे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ सुषमा स्वराज बीच भेटवार्ता भेल समेत बताओल गेल अछि। एम्हर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बीच भेटवार्ता समेत भेल अछि। स्वराज के सम्मान में एमाले होटल सोल्टी में रात्रि भोज के आयोजन समेत कयने अछि। ओहिसँ आगू भेट भेल छल। भेट में एक दोसर के हित के विषय में बातचीत भेल। ओली के सचिवालय जनौलक अछि भारतीय विदेश मंत्री बृहस्पति दिन बेरिया में काठमांडू आयल अछि। ओ काल्हिखन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री माओवादी अध्यक्ष प्रचंड लगायत तक सब संगे भेटवार्ता करबाक कार्यक्रम रहल अछि। नेकपा एमाले आ माओवादी केन्द्र के पार्टी एकता संयोजन समिति के बैसार सँ मुख्यमंत्री प्रदेश सभामुख उपसभामुख तहिना मंत्री परिषद गठन संबंध में कार्यदल जुटौने सहमति के अनुमोदन कयल गेल अछि। बृहस्पति दिन साँझ में बालकोट स्थित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के निवास में भेल पार्टी एकता संयोजन समिति के बैसार सँ कार्यदल बुझौने प्रतिवेदन के अनुमोदन कयल गेल अछि। बैसार में पार्टी एकताक संबंध में मुख्य दूटा नेता बीच भेल छलफल सकारात्मक दिशा में अगाड़ी बढ़ल आ थप किछ चरण में छलफल भेला के बाद संयोजन समिति के बैसार बैस का पार्टी एकता कार्यदल बनेबाक विषय में छलफल भेल। माओवादी केन्द्रक नेता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी कराने छथि। बैसार से पछिलका समय देश के एकदमे दिक्कत कर किसिम के लोकतंत्र लोकतांत्रिक मूल्य आ मान्यता नैतिकता के विरुद्ध के निर्णय के घोर विरोध जनित भत्सना समेत कयल गेल अछि। कार्यदलले प्रदेश सरकार गठन र प्रदेश सभाका अन्य पदहरूका सम्बन्धमा आफ्नो सुझाव चाहिँ पार्टी एकता संयोजकको बैठकमा औपचारिक रूपमा आज प्रस्तुत गर्यो र त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। मुख्य कुरा यही नै हो। दोस्रो कुरा, पार्टी एकताको सन्दर्भमा दुईवटा प्रमुख नेताहरूको बिचमा जो छलफल भइराखेका छ त्यो छलफल सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढिराखेका छ। अझै एक दुई पटक प्रमुख नेताहरू नै छलफलमा बस्ने, त्यसपछि पार्टी एकता संयोजन समिति बसेर कार्यदल निर्माणको दिशातिर जाने भन्ने पनि समझदारी आज पनि भएको छ। र तेस्रो कुरा, सरकारले अहिले पछिल्लो अवस्थामा देशलाई फरक प्रसङ्गमा एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम देशमै राजनीतिक नयाँ सन्दर्भ सुरु होइत कालकै समयमा भारतीय विदेश सचिव सुषमा स्वराजके नेपाल भ्रमण सम्बन्ध सुधारमे एकदमै मद्दत पहुँचबाक विश्वास व्यक्त कयने छलथि। बैसारमे दुनू पार्टीक अध्यक्ष लोकनि एकताक विषयमे दू नेता बीच भेल छलफलके प्रगतिके विषयमे जानकारी कराउने छल। जनकपुर भन्सार कार्यालय के प्रमुख आ करार के कर्मचारी लोकन दूटा पत्रकार सब पर दुर्व्यवहार केला के बाद विवाद उत्पन्न भेल छल। जनकपुर स्थित जनकपुर भन्सार कार्यालय में पत्रकार राजकमल सिंह आ हुनक कैमरा पर्सन सुमित मिश्रा संगे भन्सार कार्यालय के प्रमुख हेमचंद्र शर्मा आ करार के कर्मचारी सब दुर्व्यवहार केला के बाद विवाद उत्पन्न भेल छल। जनकपुर भन्सार कार्यालय के कर्मचारी के सेटिंग में तस्करी बढ़ल समाचार लिखने कहित प्रमुख शर्मा आ हुनक करार के कर्मचारी सब हुनका सबके प्रमुख के कार्यकक्ष में केवाड़ लगाकर दुर्व्यवहार केने गाली गलौज कने पीड़ित पत्रकार सब धारणा रखलेने। जनकपुर भन्सार कार्यालय के प्रमुख हेमचंद्र शर्मा आ जटी भन्सार कार्यालय के जगदीश दास के मिलीभगत में भन्सार छली तथा तस्करी बढ़ल समाचार लिखने विषय में कार्यालय प्रमुख शर्मा अकरार के गाड़ी चालक प्रकाश यादव गाली गलौज करते जान मार के धमकी समेत देने पीड़ित पत्रकार सिंह जानकारी कराने। नेपालक लेल चिनिया राजदूत यू होंग महतरी में राहत सामग्री वितरण के लिए है। राजदूत होंग आय महतरी के लोहरपट्टी के 265 असहाय घर परिवार सब के राहत वितरण के लिए है। हुनका सब के चूल्हा बाल्टीन कम्बल गिलास साबुन लगायत सामग्री सब वितरण कयल गेल छल। राजदूत होंग से
मधेश के सप्तरी सरलाही पर्सा धनुषा रोहतक के आठ जिला के 40,000 बाढ़ पीड़ित के राहत वितरण कल जेबा कार्यक्रम रहा। राजदूत होंग आइए धनुषा के धनुषा धाम नगर पालिक में 103 घर परिवार के समेत राहत सामग्री वितरण करवा कार्यक्रम छ। रौथहट सदरमुकाम गौर स्थित सार्वजनिक प्रयोग में रहल गौर राइस मिल कोनो समय हालत में बिक्री नहीं होबाक गौर नगरपालिका के नवनिर्वाचित मेयर अजय कुमार गुप्ता धारणा रखलेने छ। एखन बाजार में आ फेसबुक में गौर राइस मिल बिक्री होबाक हल्ला चल रहल अवस्था में पत्रकार सब संगे के बातचीत में मेयर अजय कुमार गुप्ता भूमाफिया सब के भ्रम में नहीं पड़ आ हुनके सब से एहन भ्रम फैलाल गेल दावी समेत कलने छ। वो भूमाफिया जतेक कानत आ हल्ला करत तैयो नगरवासी तथा जिलावासी के इच्छा अनुसार अधिग्रहण ओकरा खेल मैदान के रूप में विस्तार करबाक प्रक्रिया अगाड़ी बढ़ा चुकल समेत दावी कयने छलथि। त्यो जगहलाई अधिग्रहण गरी खेल कुद मैदान को रूप में विकसित करने लक्ष्य राखेको छ। त्यसको लागि जगह प्राप्ति ऐन अनुसार अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ र त्यसको मुआवजा को रकम को लागि हामीले संघीय तथा स्थानीय विकास मंत्रालय में पत्रचार गरिसकेका छौं। म स्वयं पनि गएर त्यहाँ मंत्रालय में कुराकानी गरिसकेका छु। त्यहाँबाट अर्थ मंत्रालय में निकासा को लागि पत्र पठाइनेछ। त्यसपछि अर्थ मंत्रालय द्वारा निकासा आइसकेपछि यो अधिग्रहण प्रक्रिया चाहिँ यो राइस मिल को जग्गालाई प्रक्रिया गत रूप में ल्याएर यो गौर नगरपालिका का नाम में दर्ता हुन्छ र त्यो जग्गालाई चाहिँ हामीले यो खेलकुद मैदानको रूपमा विकसित गर्छौं र जति पनि भूमाफियाहरू जति कराए पनि जति एक्सरसाइज गरे पनि त्यो गौर यो गौर राइस मिलको जग्गा भूमाफियाको कब्जामा जाँदैन। तपाईहरुको मार्फत म सबै सम्पूर्ण नगरवासीलाई भन्न चाहन्छु त्यो जसरी भए पनि त्यो राइस मिलको जग्गा गौर नगरपालिकाको हुन्छ र खेलकुद मैदानको रूपमा विकसित हुन्छ। सप्तरी के राजविराज स्थित धर्मी हल्फा महिला विकास क्लब जाड़ में कष्टकर जीवन बितबित आब रहा विपन्न समुदाय के गरम कपड़ा वितरण कलक। हेल्प नेपाल नेटवर्क काठमांडू के सहयोग में क्लब एक महीना से विपन्न बस्ती में पहुंचकर जाड़ पीड़ित परिवार सबके गरम कपड़ा वितरण कलक। वही क्रम में बृहस्पति दिन राजविराज नगर पालिक 6 स्थित दलित बस्ती में ब्लैंकेट वितरण कैल गया। 51 गरीब असहाय परिवार के एक एक थान के दर से ब्लैंकेट वितरण कैल गया। राहत संगे क्लब जनचेतनामूलक कार्यक्रम समेत संचालन करते आबि रहा। आब इंटरनेशनल न्यूज। पूर्व बास्केटबल खिलाड़ी एवं रसूल एनबीए हीरो बटलर आउनक कन्या लिया केवल के कार दुर्घटना में पड़कर मृत्यु भेल। 38 वर्षीय बटलर रेंज रोवर कार चलाब रहा छल। हुनक कार नियमित से करीब 3 गुना बेसी तीव्र गति में छल। अनियंत्रित भ कार पार्किंग मीटर के ठोकला के बाद उछट के भित्ता में बहुते बेर ठक्कर समेत खेने छल। बटलर विभिन्न क्लब से एनबीए में समेत खेलने छलथि। हुनक पत्नी 31 वर्षीय लिया गायिका छथि जे 2004 में अमेरिकन आइडल में समेत देखायल छली। आब स्पोर्ट्स न्यूज। पहिल बेर नेपाली खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में अनुबंध भेला के बाद देशभर खुशियाली अछि। नेपाली उदयमान क्रिकेटर संदीप लामी छाने पहिल बेर आईपीएल में अनुबंध भेला के बाद एखन हुनक चर्चा देशभर में मात्र नहीं भ विश्वभर में अछि। एखन धरि कोनो समेत नेपाली खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में खेल के अवसर नहीं पौने छल। नेपाली खिलाड़ी संदीप के इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में दिल्ली डेयर डेविल्स अनुबंध कला से वो आईपीएल में खेल पाब के निश्चित भेल। आगामी अप्रैल 7 से शुरू होबय जा रहा आईपीएल के लिए दिल्ली डेयर डेविल्स अनुबंध केने संगे एखन सब दिस संदीप के चर्चा भ रहा। संदीप के खबर
थाहा पाएका हुनक परिवार मात्र निभ सारा नेपाली हुनक प्रशंसा करित गौरव के महसूस कर हुनक परिवार में एखन खुशी के सीमा नहीं है। चितवन के रत्नगर आठ में रहताल संदीप के पिता माय भौजी भतीजी संगे भारत में रहल हुनक भैया आ नेपाल में रहल हुनक तीनटा दीदी सब एकदम खुशी छथि। शुरू में अंडर 19 में सहभागिता जनौने संदीप चमत्कारी प्रदर्शन करित गेल। ओ सन 2016 में राष्ट्रीय टोली में सहभागिता जनेबाक मौका पौलन। नेपाल में भेल केन्या विरुद्ध के खेल देखला पर हुनक पिता अपन बेटा क्रिकेट में एकदमे ऊपर जा सकैए महसूस केने छलथि। हुनक प्रदर्शन के कारण आईपीएल में दिनी डेल डेविल्स ओलक ओल में भारू 20 लाख में हुनका खरीद के लेने छ। संदीप एखन अभ्यास खेल के क्रम में यूएई में अछि। संदीप क्रिकेट में पौने सफलता से हुनक माय कपिला देवी लामी छाने के खुशी के सीमा नहीं अछि। क्रिकेट में पौने सफलता के बाद संदीप के परिवार के बधाई के लाइन लागल अछि। बेटा के कारण एखन नेपाल भर चिन्हाई के मौका पेला पर परिवारक सदस्य सब खुशी छथि। अंत में हेडलाइन से एक बार फिर से प्रदेश सभा पहले अधिवेशन के लिए सर्वदलीय बैसार संपन्न। विधायक कॉफी रंग के कोट लगाओ। माघ 21 गते बैसक जा रहा दू नंबर प्रदेश के प्रदेश सभा अधिवेशन के आवश्यक तैयारी द्रुत गति में भर रहा। प्रदेश नंबर 3 के पहल प्रदेश सभा अधिवेशन संपन्न। सभामुख चयन के यह माघ 27 गते बैसार बजाओ गए। जनकपुर में एडीबी के सहयोग में संचालित आयोजना के ठेकेदार कंपनी रमन कंस्ट्रक्शन के सरकार वाला निकाय द्वारा अनुगमन। भारतीय विदेश मंत्री स्वराज नेपाल में एमाले का अध्यक्ष ओली से भेंटवार्ता। एमाले द्वारा रात्रि भोज का आयोजन। अपन न्यूज एखन के लिए एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।